गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग जानते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 × 10⁻³¹ केल्विन। ठीक है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, इतना होता है। ठीक है, जैसे हमारा Cl- है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1, है ना, एक ही माइनस है, तो 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। क्लियर है, अगर बोले O माइनस 2 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, तो कितने से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। क्लियर है, उसी तरह से L प्लस 3 है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस पे कितना आने वाला है हमारा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹, क्योंकि एक ही माइनस है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया था, ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जानते हैं कि फैराडे क्या होता है, ठीक है, आप इसको देखिए, ठीक है, तो फैराडे क्या होता है, ठीक है, इसको L से डिनोट करते हैं, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, हमको पता है वन मोल में कितना वैल्यू होता है, तो हमको पता है 6.022 × 10⁻²³, ठीक है, तो जैसे हमको अभी तो आप जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हमको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम होता है, ठीक है, जैसे सिंपल एक बनाना का कॉस्ट इतना है, तो इतने बनाना का कॉस्ट कितना होगा, तो उसी तरह से वन मोल किसके इक्वल होता है, 1 Na के इक्वल होता है, इसका मतलब 6.022 × 10⁻², ठीक है, तो चार्ज ऑन 6.022 × 10⁻³, है ना, बोला है चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, तो वन मोल में इतना वैल्यू होता है, जैसे बोला ना एक बनाना का कॉस्ट 2 रुपया, तो एक डजन बनाना का कॉस्ट कितना होगा, तो 12 × 2, उसी तरह से वन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, तो चार्ज ऑन इतना इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻³³ × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, इसको गुणा कीजिएगा तो यह आएगा 96,509। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, चार्ज ऑफ वन वन मोल इलेक्ट्रॉन को क्या बोले थे, फैराडे बोले थे, तो एक फैराडे हो गया, तो हमारा एक फैराडे कितना के बराबर हो गया, 96,500 कूलॉम, ठीक है, 96,500 कूलॉम, इसलिए यहाँ से ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उसी तरह से हमारा क्या होगा, 1 कूलॉम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/96,500 फैराडे हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए, ठीक है, तो 1 फैराडे में कितना कूलॉम हो गया, 96,500 कूलॉम हो गया। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 9.5 g PO4-, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम भी क्या बोले थे कि जैसे ग्राम में दिया हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास कितना हो जाएगा 9.5 g और मोलर मास कितना होता है PO4-, ठीक है, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, अब कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, 4 × 16 31, 64, 95 आ गया, ठीक है, 95 g मोलर मास हो गया, तो 95 g से ग्राम काट दीजिए, 95 × 10, एक डेसिमल है तो नीचे एक जीरो, 1/10, इसका मतलब 0.1 mole आ गया, हमारे पास कितने मोल आ गए, 0.1 mole, क्या PO4-, ठीक है ना, चलिए एक कितने PO4-, हमारे पास 0.1 mole PO4-, लेकिन हमको पता है एक PO4-, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सिंस 1 PO4-, इक्वल टू चार्ज ऑन 1 PO4-, इक्वल टू
3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना आ गया है ना। कैसे आया ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन BF4 3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमको कितना मोल दिया हुआ BF4 इतना मोल, तो इतने पे कितना का चार्ज होगा, तो इसलिए क्या हो गया चार्ज ऑन 0.1 मोल BF4 माइनस, तो 0.1 से गुणा हो जाएगा 3 into 1.6 into 0.1 मोल, सॉरी 0.1 मोल, ठीक है, इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो कूलम में आंसर आपका ये हो जाएगा, अगर फेराडे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए 0.1 इंटू 3 इधर कीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मोल, मोल को इधर रखिए, और मोल का वैल्यू कितना है, मोल का यहाँ वैल्यू रख रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कूलम, ये वैल्यू मिल के क्या आया था हमारा पीछे पीछे कितना आया था हमारा 96,500 कूलम आया था, अभी किए थे 0.1 इंटू 3 इंटू 96,500 कूलम, ठीक है, 0.1 इंटू 3 96,500 कूलम किसके बराबर है, फेराडे के बराबर है, एक फेराडे तो 0.3 तो आपका आंसर कूलम में भी है फेराडे में भी है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो हमें पता लग गया कुछ भी बोले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आपका क्वेश्चन जल्दी से